चैप्टर नंबर 16, वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। फर्स्ट है बग, बग मिस होता शाखा। ब्रॉड मिस व्यापक या पूर्ण भी बोल सकते हैं। केयर देखभाल। इनरिच मिस समृद्धि बनाना। ग्लैंस मिस नज़र। स्टीयर, स्टीयर मिस होता ताकना। अब इसके बाद एक्सरसाइज। हु इज द पॉट ऑफ लीजर? तो विलियम हेड डेविड्स। व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट? हैविंग नो टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम लाइफ इज पुअर इफ वी हैव नो टाइम टू वैल्यू नेचर। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीजर? द मीनिंग यानी जो लीजर वर्ड है उसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीजर इज फ्रीडम, यानी जो लेजर वर्ड है उसका मतलब होता है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। व्हाट डज ब्यूटी टू लाइक अ पर्सन? एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार की सुंदरता पसंद करता है? ब्यूटी इज नाइदर अ थिंग नॉर ए पर्सन। एक व्यक्ति के लिए जो सुंदरता है ना तो वो कोई वस्तु है ना ही व्यक्ति है। बट इज एन आइडिया केवल एक विचार है। द पॉट जो कभी है हावर हालांकि प्रेजेंट्स इट एज अ पर्सन व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करते हैं। हु हैज आइज जिसके पास आइज है, फीट है, लिप्स है, एंड कैन स्माइल जो स्माइल कर सकता है, एंड डांस और डांस कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज डैट शीप एंड काउ डू फॉर विच वी हैव नो टाइम? What is that sheep and cows do for which we have no time? हमारे पास समय नहीं है। वो क्या चीज़ जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है? We don't have the time to stand and stare beneath the bug like cow and sheep. हमारे पास समय नहीं है खड़े होने के लिए या देखने के लिए एक पेड़ की शाखाओं के नीचे जिस तरह से काऊ और शीप देखते हैं। यानी क्वेश्चन में था कि जो शीप और काऊ क्या करते हैं जिसके लिए समय नहीं है। ओके नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है विच स्टेंजर डू यू लाइक द बेस्ट? वाई कौन सा स्टेंजा आपको सबसे प्यारा या पसंद है? वाई क्यों? तो स्टेंजा के थ्रू हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर इसका नहीं लिखे हैं, तो यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट स्टेंजा आई लाइक द बेस्ट। यानी आप लिख सकते हो जो हमारा पहला स्टेंजा है वो हमारे लिए बहुत ही प्यारा है, पसंदीदा है। द पॉट वांट्स ह्यूमन बींग्स टू स्टेयर एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। जो पॉट है वो चाहते हैं ह्यूमन को एंजॉय कि जो हमारी नेचर की जो प्रकृति की सुंदरता है उसका एंजॉय करें। ही एडवाइस अस टू पुट एंड द स्टेयर्स। तो बच्चों इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही आप लिख सकते हैं। ठीक है कि द पॉट वांट्स ह्यूमन बीइंग टू स्टार्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। जो प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करने की शुरुआत करें। ठीक है पॉट चाहता है कि व्यक्ति हर व्यक्ति जो प्रकृति की सुंदरता है उसको उसका एंजॉय करे, एंजॉयमेंट करे। ठीक है तो फर्स्ट स्टेंजा है जो हमें पसंद है। फर्स्ट स्टेंजा आई लाइक द बेस्ट।